अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम कैप थ्री पे डिस्कशन हमने कल स्टार्ट की थी और कल का हमारा एजेंडा जो रहा दैट वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस। उसमें एक चीज़ जो मैंने आपकी तवज्जो जिस पर दिलाई थी, लर्निंग हमने कैप थ्री की करनी है नोट्स और किताब से, बेसिकली स्टेशन से। रिवीजन हमने फिर नोट्स से करनी है और प्रैक्टिस उसके बाद हमने सवाल ज़रूर करने हैं। और प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैंने आपसे शेयर किया था कि सोल्यूशन की मदद के बगैर आपने प्रैक्टिस करनी है। हमने प्रैक्टिस करनी है अपने आप को एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए कि हमने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। तो प्रैक्टिस भी हम एग्ज़ाम में चूँकि सोल्यूशन के बगैर सवाल करने होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें घर पर भी सोल्यूशन के बगैर ही सवाल करने की आदत डेवलप करनी है। और उसमें सबसे अहम चीज़ जो प्रैक्टिस करने में आपको जो डेवलप करनी है, विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट हैबिट टू अडॉप्ट, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, मैं फिर बात कर रहा हूँ। बहुत सबसे मुश्किल आदत है अडॉप्ट करने के लिए, और वो आदत मुश्किल क्या है कि स्टेप वाइज मार्किंग को सामने रखते हुए सवाल आप कर रहे हैं, सवाल में जो ट्रीटमेंट्स आपको आती हैं उनको परफॉर्म कीजिए, जो ट्रीटमेंट्स आपको नहीं आती उनकी फिगर अज्यूम करके आगे चलिए। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल चीज़ है अडॉप्ट करनी अगर आप इसको घर से प्रैक्टिस में नहीं लाते। मैं बिल्कुल रियल लाइफ एक केस इसमें आपको बता देता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट था, इसी का एडवांस पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनल लेवल पे। उस बेचारे का एक पेपर रह गया था सीए होने से, सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनल लेवल का। वो मुझसे पढ़ता था, पेपर देता था और फिर उसकी दुबई जॉब हुई, वो चला गया। दुबई से उसका फ़ोन आना मुझे रिज़ल्ट के दिन, सर बड़ा बुरा हुआ, फेल हो गया, अब मुझे बताया अगली अटैम्प्ट के लिए क्या करूँ मैं। मैंने उसको गाइड करना, बेटा कोई जैसा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और इन इन चीज़ों का ख्याल रखना। फिर वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पाकिस्तान आता था पेपर देने, और फिर मेरे पास मिलने आता, सर लास्ट डेज हैं, कोई फाइनल एडवाइस कर दीजिए। फिर मैं उसे एग्ज़ाम जो बातें आपसे भी करने लगा, एग्ज़ाम में क्या करना होता है वो सारा समझाता, भाई एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे चलना, ये करना वो करना, इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये डूज एंड डोंट्स हैं। तो जाना उसने, पेपर देना, फिर एपिसोड रिपीट होनी, रिजल्ट वाले दिन फिर दुबई से फ़ोन आना, फिर वही कहानी, फिर वही स्टेप, फिर पाकिस्तान आना, फिर एडवाइस लेना, फिर पेपर देना। यकीन माने एक पेपर उसका तकरीबन 5 से 6 दफ़ा फेल हुआ, नहीं पास कर पाया। एक अटैम्प्ट उसमें ऐसी भी आई जिसमें तकरीबन 40% आईकैप का हिस्ट्री का बेस्ट रिजल्ट था कि 40% बच्चा पास हुआ, लेकिन वो नहीं पास हुआ। अच्छा, उससे अगली अटैम्प्ट में आईकैप का वर्स्ट तरीन रिजल्ट था, 4 या 5% बच्चे पास हुए थे उस सब्जेक्ट में, इतना गंदा रिजल्ट था, लेकिन वो बच्चा पास हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई, लकीली उस दिन वो पाकिस्तान में ही था रिजल्ट वाले दिन, तो उसने फ़ोन किया जी सर मैं पास हो गया, मैं मिलना चाह रहा था आपसे। मैं कहा मोस्ट वेलकम बेटा, बड़ी खुशी, आओ फ़ौरन आओ। मेरी एक आदत होती है आप लोगों से शेयर करने के लिए कि मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ क्या तुम पास किस तरह हुए, तुम्हारे ख्याल में क्या चीज़ है जिसने डिफरेंस डाला। और उससे मैंने स्पेशली पूछा, मैंने कहा पिछली बार 40% बच्चा पास हुआ था, तुम पास नहीं हुए, इतना आसान पेपर था, इस बार इतना टफ पेपर था, सिर्फ 4% बच्चे या 5% बच्चे पास हुए, तुम पास हो गए, क्या नया किया तुमने इस दफा। उसने कहा सर एक चीज़ मुझे आपकी हजम नहीं होती थी, उसको मैं अडॉप्ट नहीं कर पाता था, बाकी सारी चीज़ें मैं आपकी मान लेता था, एक चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही थी, और वो थी जो आप कहते थे ना यार जो आता करो, जो नहीं आता उसमें मिट्टी डालो। कहता सर इस बार मैंने वो भी कर दिया। मैंने कहा एक चीज़ रहेगी, ये भी करके देख लेते हैं। तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं इस बार इतने मुश्किल पेपर के बावजूद निकल गया। तो हमारी एक आदत होती है, मैं जैसा कह रहा हूँ शुरू में मैं चीज़ें आपकी, चूँकि कैफ के बिल्कुल स्टार्ट में है, यहीं पर मैं चाहता हूँ आपकी चीज़ें कुछ ठीक हो जाएँ। पढ़ाई के लिए तो इंशाल्लाह 4 महीने पढ़े हैं, हम पढ़ते रहेंगे, ये बड़ी ज़रूरी है कि आपकी डायरेक्शन ठीक हो। हम जब पढ़ रहे होते हैं, टीचर के पास जाते हैं, तो हमारा बिहेवियर कुछ अजीब सा होता है। इट इज़ जस्ट लाइक, आपको मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि आपको खुदा ना खास्ता आप किसी वजह से बीमार हैं, आपको किसी बंदे ने कहा जी ये इस बीमारी का इलाज फलाने डॉक्टर के पास है, बड़ा ज़बरदस्त इलाज करता है, बड़ी अच्छी दवाई देता है। आप जनाब उसके पास दवाई लेने गए, उसने आपको गोलियां निकाली, 5 गोलियां लाल नीली पीली आपके हाथ पर रखी, उसने कहा जी ये गोलियां सुबह दोपहर शाम खानी है। आपने उसका शुक्रिया अदा किया, बाहर निकले, आपने कहा यार ये पीली गोली मुझे नहीं अच्छी लग रही है, मुझे हजम नहीं होती, ये नीली भी अच्छी नहीं है, बाकी 3 कलर ठीक है, वो मैं खा लूँगा, 2 नहीं मैंने कलर खाने, नाली में फेंक दिया आपने। 1 महीना दवाई खाते रहे, फिर डॉक्टर के पास पहुँच गई,
कि डॉक्टर साहब अफाका नहीं हुआ, तो कोई वजह आ जाने की दोबारा गिला करने की डॉक्टर से, जब आपने मेडिसिन ही नहीं ली उसके कहने पे, उसके कहने पे चले ही नहीं, तो गिला किस चीज़ का। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपका इलाज नहीं होना, आपने ठीक नहीं होना। बेटा सर साथ साथ हो जाए, क्या चीज़। अच्छा बोर्ड की विजिबिलिटी, मैं चले, आपको तो बेटा विजिबिलिटी का इशू नहीं है, मैं कोशिश कर लूँगा थोड़ा उधर उधर कर लूँ, मैं अपना बोर्ड भी ये इधर कर लेता हूँ। तो ये आदत हम लोगों की होती है कि जो चीज़ पसंद होती है वो ले लेते हैं, जो हमें पसंद नहीं होती उसको हम छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है बेटा, क्योंकि आपको जो टीचर एडवाइसेस दे रहे होते हैं वो उनके ज़ाती तजर्बे के सर पे नहीं होती। मैं आपको एक और किस्सा अपना बता दूं, मैंने जब CA फाइनल किया था, फर्स्ट टाइम पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब पास किया, तो विद इन आर्टिकल था KPMG में, मेरा ख्याल है हिस्ट्री में उसकी उस वक्त कोई 25-30 साल हिस्ट्री था, मैं दूसरा या तीसरा चार्ट अकाउंट था जिसने विद इन आर्टिकल किया। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो जूनियर स्टूडेंट्स से आए, सर कैसे पढ़ा दाना आपने, हमें भी गाइड करें, हम भी चाहते हैं पहली अटैम्प्ट में पास होना। तो मेरे जो साथी थे जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा था, उनमें से कोई पास नहीं हुआ था, तो मैं अकेला उस ग्रुप में पास हुआ था, हमसे अच्छे 8 लोगों का ग्रुप था जो इकट्ठे पढ़े थे हम। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया, उन्होंने कहा जिस तरह तूने पढ़ा ना, तूने बताना नहीं इनको तो कैसे पढ़ा तूने, क्योंकि जिस तरह तूने पढ़ा हमारे सामने था, तू हमने तुझसे ज़्यादा ही मेहनत की थी, तो तूने अगर इनको बता दिया तो ये सारे फेल हो जाएंगे हमारी तरह, तो इनको काइंडली मैं एडवाइस ना करना। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे बात उनकी अच्छी लगी कि वाकई मैंने तो बड़ा मुश्किल से सिलेबस कवर किया था, रिवीजन का तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था, प्रैक्टिस तो मैं कर ही नहीं पाया था, तो मैं तो पास हुआ था सिर्फ समझ लें कि जो एग्ज़ाम में 3 घंटे जो होता ना जज्बे से लड़ना, वो मेरे अंदर काबिलियत बड़ी अच्छी थी, मेरी माँ की दुआएं होती थी, तो उस काबिलियत के साथ मैं पास हुआ था। वो काबिलियत जो है मुझे दोस्तों ने कहा यार ये हर एक में नहीं होती, तूने कर लिया तू एक्सेप्शनल है, लेकिन ये हर एक में नहीं होती, तो इनको ना बताएं जितना तूने पढ़ा, तूने बहुत कम पढ़ा था, मुझे भी एहसास था। मैंने कल शायद आपसे जिक्र नहीं किया कि मैं एक टॉपिक ऐसा था हमारा BFD में जिस सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोई टीचर नहीं था मेरा उन सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग BFD जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, इन सब्जेक्ट को मैंने किसी से पढ़ा नहीं हुआ, किसी क्लास में किसी से टीचर से नहीं सीखा, खुद पढ़े मैं सारे मैंने। तो उस ज़माने में उसकी किताब नई नई एक पब्लिश हुई थी IKAP ने, वो किताब में वो पूरा टॉपिक ही गलत छपा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आई उसकी, मैं पढ़ता था सीखता था अगला सवाल करता था, वो असूल ही गलत हो जाते थे सारे, फिर दूसरे असूल सीखे, फिर सवाल किया फिर असूल गलत हो गए, तो मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार ये कौन सा एटम बम का फॉर्मूला जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तंग आके मैंने कहा छोड़ दो इस टॉपिक को ही छोड़ दो, और लकीली उस टॉपिक से सवाल ही नहीं आया तो मेरी बचत होगी। वो तो 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने जब किसी और किताब से वो टॉपिक पढ़ा, क्योंकि वो फेल हो गया था उस सब्जेक्ट में, उसने किसी और किताब से वो टॉपिक पढ़ा, तो उसने बताया भाई हम जिस किताब से पढ़ रहे थे जो उस वक्त IKAP ने पब्लिश की थी वो किताब ही गलत थी, उस किताब में सारे फार्मूला ही गलत लिखे होते, इसलिए मैं समझ नहीं आती थी। तो मैं कहने की बात यह है कि मैं जो आपको एडवाइस कर रहा हूँ मैं अपना ज़ाती तजर्बा नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा इतना अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। मैं आपको बताता हूँ जो एडवाइस करता हूँ, इवन सारे टीचर वो जो हज़ारों स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर चुके हैं, उनसे जो फीडबैक ली होती है उसके सर पर बताते हैं आपको। तो इसलिए बराए मेहरबानी आपको जो गाइडेंस चाहिए, जो हेल्प चाहिए, जो मशवरा चाहिए, वो अपने टीचर से लिया करें, और उस पर कोशिश किया करें, इन फुल स्पिरिट अमल किया करें। हमारी एक बड़ी गंदी टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की कि हम अपने सीनियर से मशवरे करते हैं, जिसने जस्ट पेपर पास किया होता है या सिर्फ पढ़ा ही होता है, पास नहीं होता, फेल ही हुआ होता है, उससे मशवरे कर रहे होते हैं, और उसके मशवरे को हम टीचर के मशवरे पे फौकियत दे रहे होते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक आदत है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके कुलीग्स आपके साथी आपसे मुखलिस नहीं होते, मुखलिस हैं आपसे पूरी तरह, लेकिन दे डोंट हैव द कैपेसिटी एबिलिटी टू एडवाइज यू। आपको अपने सीनियर से मदद लेनी है तो आपने मदद उनसे ये लेनी है कि भाई मुझे ये टॉपिक में दिक्कत है मुझे पढ़ा दो, ये टॉपिक तुमने किस किताब से पढ़ा था वो मुझे बता दो, इस टॉपिक का कोई अच्छा सा सवाल करा दो मुझे, ये मदद आप लीजिए उनसे। बट पढ़ना कितना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, इस तरह के मशवरे उनसे नहीं लेने। कि मुझे कल आपकी क्लास में शायद सवाल हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने मुझसे कल पूछा था किसी क्लास में कि जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए। अब आप ये सवाल किसी अपने सीनियर से पूछेंगे तो वो अपने ज़ाती तजर्बे के मुताबिक आपको पूरा तसल्ली से जवाब देगा कि भाई इतने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने तो इतने घंटे पढ़ा था तो मैं पास हुआ। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, हम दो दोस्त हैं, दोनों चार्ट अकाउंटेंट हैं, मुझसे पूछोगे कॉस्ट कितने घंटे पढ़ना चाहिए तो मैं कहूंगा यार ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस क्लास पढ़ लो, क्लास बाद दिन का आधा घंटा घंटा काफ़ी है,
मोर देन सफिशियंट है, इसमें सब्जेक्ट समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि यार ऑडिट कितनी देर पढ़ना चाहिए, तो मुझे चूंकि थ्योरी के सब्जेक्ट हजम नहीं होते, उनको समझने में, उनको याद करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं अपने पर्सनल तजर्बे के ऊपर आपको कहूंगा यार ये तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो इसको तो कम से कम 3-4 घंटे देने पड़ेंगे। 1 घंटे का लेक्चर होता है, 3-4 घंटे घर जाके पढ़ेंगे तो याद रहेंगी चीजें ये। लेकिन यही दो सवाल आप मेरे दोस्त से पूछें, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम दोनों इकट्ठे पढ़ते रहे हैं 93 से ऑनवर्ड, उसका जवाब बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। वो कहेगा ऑडिट, ओ यार ये तो हलवा है, दिन का आधा घंटा घंटा काफी होता है, कॉस्ट नहीं समझ आती, उसको 3-4 घंटे देने हैं भाई। अब ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग जवाब है, मुझसे सवाल पूछा सेम सवाल, जवाब कुछ हो रहा है, दोस्त से पूछा उसका जवाब कुछ हो रहा है। वजह क्या है? हम दोनों की पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल एप्टीट्यूड ही डिफरेंट है। मेरा दिमाग अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है न्यूमेरिकल चीजों को समझने के लिए, उसका दिमाग अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है थ्योरी की चीजों को समझने के लिए। तो उससे जो पूछेगा वो उसको अपने हिसाब से मत देगा, मुझसे को पूछेगा मैं अपने हिसाब से मत दूंगा। तो इसलिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए इसका कोई एक जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब आपके पास है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपका एप्टीट्यूड क्या है। आपको न्यूमेरिकल पसंद है तो न्यूमेरिकल आप 1 घंटे में सब्जेक्ट हो सकता है पढ़ के तैयार कर लो। आपको थ्योरी पसंद है तो न्यूमेरिकल में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, अगर एनालिटिकल नंबर्स आपको देर से हजम होते हैं ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो ये आपका एप्टीट्यूड है दैट विल डिटरमिन। फिर हर बंदे की अलहदा कैपेसिटी होती है, कुछ बच्चे होते हैं, मैं अपने क्लास वालों की मिसाल देता हूं, हम जब नया नया सीए शुरू किया, एक पहला हम अकाउंटिंग का समझो इंट्रो टू अकाउंटिंग जैसे आपने पढ़ी है सर का सब्जेक्ट, हमें जब पढ़ रहे थे तो पास ही कॉलेज के हॉस्टल था, कुछ बच्चे हॉस्टल में भी रहते थे जैसे आप भी साथ, काफी लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो अक्सर हम दोस्त लाहौर के होते थे लेकिन हम चले जाते थे उनके पास पढ़ने। उधर हमारा क्लास वाला था वो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहा था, लेटा होता था नावल की तरह यूं पढ़ रहा होता था। हमने कहा यार ये क्या मजाक है यार, कहता नहीं बस मेरा गुजारा हो रहा है, मुझे समझ आ रही है। अच्छा, हमने कहा रिजल्ट आया तो पता लगेगा पुत्र तुझे। रिजल्ट आया, ही वाज द टॉपर अकाउंटिंग में। अब मैं कहूंगा यार जिस तरह इसने अकाउंटिंग पढ़ी मैं भी इस तरह पढ़ लूं, तो मैं तो पास भी ना होता। उसने 90+ नंबर ले लिए थे अकाउंटिंग के पेपर में सिर्फ नॉवल की तरह पढ़ के। अब ये अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग अलहदा दिया होता है, हर इंसान के दिमाग की अपनी स्ट्रेंथ है। किसी को न्यूमेरिकल अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छी लगती है, किसी को देख के चीजें याद हो जाते हैं, किसी को प्रैक्टिस करके चीजें याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हर एक का अपना हिसाब है और ये इसके बेस्ट जज आप हैं कि आप में क्या कैपेसिटी है। और ये जज आप तब कर पाते हैं जब आप अपने आप को टेस्ट में बिठाते हैं। अब टेस्ट में बैठते हैं तो पता लगता है कि मैंने जो काम किया वाज दैट सफिशिएंट, मैं उस काम को जितनी मेहनत की है उसको करके क्या मैं पेपर में परफॉर्म कर पा रहा हूं। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट में ठीक है, इसका मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं वो काफी है, क्वांटिटी क्वालिटी काफी है। लेकिन अगर आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही, इसका मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो काइंडली आप लोगों ने हमारे इंशाल्लाह रेगुलरली टेस्ट वीकली हुआ करेंगे, आपको शेड्यूल शेयर कर लिया जाएगा, नेक्स्ट वीक से हमारा हर वीक टेस्ट हुआ करेगा। आपने कोशिश करनी है हर बच्चा उस टेस्ट में जरूर बैठा करे, क्योंकि दैट इज द रियल असेसमेंट ऑफ यू। आपको खुद अपना पता लगेगा कि आप कितने पानी में खड़े हैं। और सीए करने के लिए बेटा आपकी सबसे पहली चीज आपकी अपनी पर्सनल कमिटमेंट है। और सीए के बारे में आप ये चीज जहन में रखिए कि ये ऐसी लाइफ नहीं है जैसी कोई एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की लाइफ होती है। एक डिफरेंट, एक यूनिक और एक्सेप्शनल करियर पाथ है ये। मतलब तो मेरे साथ एक बच्चा, एक किसी तरह बात हुई, इस तरह कैफ का ही बच्चा था, मैंने उससे पूछा बेटा किसी पेपर में फेल हुआ था वो उस वक्त, तो मैंने पूछा क्या वजह, तुम क्या करते हो, रूटीन क्या तुम्हारी। उसने कहा सर मैं पढ़ता तो काफ़ी हूँ, मैं यहाँ से बस क्लास से जाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के दोस्त भी वो बीबीए शीबे कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं, तो हम थोड़ी देर 2-4 घंटे आवारागर्दी करते हैं, फिर मैं शाम को बैठ के पढ़ता हूँ। मैंने कहा बेटा हम सारे पढ़ते हैं बैठ के। मैंने कहा वो यूनिवर्सिटी के बच्चे बेटा शाम को 2-3 घंटे पढ़ के गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ है, तुम सीए करने आए हो, सीए का लाइफस्टाइल थोड़ा फ़र्क करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कमिटमेंट डिफरेंट रखनी पड़ती है। अगर आप मैंने कल आपसे शेयर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब पास किया सीए, तो उसमें जो एक बहुत अहम चीज़ थी वो कमिटमेंट थी। और इसकी मिसाल मैं समझाने के लिए आप लोगों को देता हूँ। आप में से पता नहीं कितने लोग फेमिलियर हैं, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है काइट फ्लाइंग का, बसंत का, जानते हैं। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट तो बड़ा अच्छा था ही था शुरू से अपने करियर में, लेकिन मैं गेम्स में भी बहुत आगे था। अभी तक मैं क्रिकेट खेलता हूँ रेगुलरली, हर संडे को मेरा हार्डबॉल का मैच होता है, परसों भी खेल के आया था मैं।
मैं काइट फ्लाइंग में बहुत आ गया था, बाकायदा कंपटीशन में जाके पतंगों के मैं पीछे करता होता था। और एक मिसाल तो अजीब सी है लेकिन ये रियलिटी है, अपने बचपन में हमें ईद के इतना इंतज़ार नहीं होता था जितना बसंत का होता था। ईद से ज़्यादा इंतज़ार हमें बसंत का होता था, बीइंग मुस्लिम ऐसा गलत बात है लेकिन ये दिस वाज द फैक्ट। जो बच्चे जिन्होंने किसी ने काइट फ्लाइंग की है दे वुड नो दैट। और जब मेरे सीए के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, अप्रैल में हमारे ज़माने में कैफ के एग्ज़ाम होते थे, तो फरवरी में बसंत होती थी पेपर से दो महीने पहले। फरवरी की बसंत पे मैं छत पे नहीं चढ़ा था कि जी अप्रैल में मेरे एग्ज़ाम है। दिस इज़ द काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट यू नीड टू हैव अगर आप अपनी सीए स्टडीज़ को बगैर फेलियर के लेके चलना चाहते हैं, तो यू नीड टू शो द कमिटमेंट। और वो कमिटमेंट की मिसाल मैंने दे दी कि एग्ज़ाम से दो महीने पहले मैं छत पे चढ़ा ही नहीं था, एज होगी उस वक्त मेरी 18 साल या 19 साल, और मैं यकीन माने 4 या 5 साल की उम्र से इस आदत में मुब्तला था कि बसंत को बहुत ही शौक से माँ बाप से लड़ के छत पर जाना, और सुबह 6 बजे छत पर जाना और रात को 6 बजे उतरना, इस आदत के साथ मैं गुजारता था और मैंने ये कमिटमेंट शो की वहाँ पर। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट दिस प्रोफेशन डिमांड्स, कि आपके दुनियावी कामों में स्टडीज़ अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी पर नहीं है तो सीए में आप फंसते हैं। ठीक है, क्विकली मैं एग्ज़ाम टेक्निक पर थोड़ी बात करेंगे फिर हम स्टडीज़ की तरफ चलते हैं। एग्जाम टेक्निक के बारे में आपसे जो बात करता हूँ इसको मैं इस तरह कहता हूँ कि आप जो पढ़ने बैठे हो ना यहाँ पे, इट इज़ लाइक गैदरिंग एमुनिशन। और जब एग्जाम होता है 3 घंटे 15 मिनट, इट इज़ लाइक फाइटिंग बैटल। आपने असला इकट्ठा कर लिया, बंदूकें तोपें गोले सोले सारे मिसाइल ले लिए सारे, लेकिन वॉर स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास। 3 घंटे 15 मिनट में जंग कैसे लड़नी है, स्ट्रेटजी नहीं है आपकी, बल्कि उससे भी पहले आ जाओ। अगर आपके जहन ही फ्रेश नहीं है तो आपने जंग क्या लड़नी है। छोटी छोटी बातें होती हैं आपके पास फेल में बहुत डिफरेंस डाल जाती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग असला इकट्ठा करने पर जोर लगा ही रखते हैं कि जी फलाने लेक्चर भी ले लो, तो फलाने भी यूट्यूब से लेक्चर देख लो, तो ये किताब भी इकट्ठी कर लो, वो किताब भी इकट्ठी कर लो, असला सारा इकट्ठा कर लिया, पढ़ भी लिया देख भी लिया, लेकिन 3 घंटे 15 मिनट में जाकर असला चलाना कैसे है? दुश्मन कौन है? एग्जामिनर कमेंट्स किस तरह के पेपर देता है वो, कहां कहां फंसाता है हमें, क्या क्या वार करता है, उस पर जाना ही नहीं हमने कुछ। असला इकट्ठा करके मैदान जंग में पहुंच गए, जज्बा ही नहीं है, फ्रेश ही नहीं है हम, ताजा दम फौजी नहीं है, तो जंग क्या लड़ना है हमें, जंग क्या जीतेंगे हम। तो सिर्फ प्रिपरेशन पे जोर नहीं करना, हमने हर पढ़ाई हर रिविजन हर प्रैक्टिस के बाद जो जेन में चीज रखनी है कि हमने अल्टीमेटली 3 घंटे 15 मिनट जाके एग्जाम में बैठना है। हमें हर वो प्रैक्टिस हर वो आदत अपनानी है जो 3 घंटे 15 मिनट में हमें हेल्प करे। पढ़ना है इस अंदाज में कि वहां पे काम आए, पेपर प्रैक्टिस करनी है इस अंदाज में कि भाई उधर हमें मदद मिले। सबसे पहली चीज उसमें आपको फ्रेश माइंड चाहिए होता है, इसके लिए गुड नाइट स्लीप है। आप लोग इसको वैल्यू पता नहीं कौन करता है, लेकिन न्यूमेरिकल पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के पेपर में अगर आप 6-7 घंटे से कम सो के गए तो आप वैसे ही आधे फेल हो। 6-7 घंटे से कम सो के गए वहां पे तो आप वैसे ही आधे फेल हो। बेस्ट थिंग एग्जामिनेशन नाइट को जो आप कर सकते हो फॉर द पेपर इज टू गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो, 6-7-8 घंटे सो के जाओ, फ्रेश माइंड के साथ जाओ। फिर अक्सर लोगों को टेंशन में कोई नाश्ता खाए पिए बगैर चले जाते हैं। अब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाला, उस पर गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी, चलेगी कैसे? तो जो फूड है हमारा वो हमारा फ्यूल है दिमाग का। हम ग्लूकोज ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं करके जाते दिमाग एग्जामिनेशन में नहीं चलता। मतलब मैं तो एज स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन में जाता था, मैं एग्जामिनेशन में कैंडीज चॉकलेट साथ लेके बैठता था। जहां पे थोड़ी टेंशन होती थी, परेशानी नहीं लेनी, चॉकलेट की बाइट लेनी है, ग्लूकोज मिलती है, दिमाग में केमिकल रिएक्शन से चीजें ठीक होती हैं। ये मेडिकल फैक्ट्स हैं, ये हेल्प होती है आपकी, इनको फ्यूल है आपके दिमाग का। फिर हम अक्सर माइंडसेट लेकर जाते हैं एग्जाम में, सेलेक्टिव स्टडीज में हुए होते हैं, हम सोच कर जाते हैं जी फलाने टॉपिक का सवाल आएगा फलाने का नहीं आएगा। माइंडसेट दिमाग में लिखा हुआ हमारे, हम सोच के गए हैं कौन कौन से सवाल आएंगे, हम कौन कौन से करेंगे, कौन कौन से सवाल नहीं आएंगे। तो एग्जाम में सबसे पहले हम जाते काम ही ये कर रहे होते हैं कि यार ये फलाने के टॉपिक का सवाल आना था वो किधर है, मैंने तो सबसे पहले वो करना है, वो नजर नहीं आता, और नजर वो आ जाता जो हमारे हिसाब से नहीं आना था। तो ये पहले कुछ मिनट्स का शौक ही आपको गिरा देता है। नेवर डेवलप एक्सपेक्टेशन पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऑलवेज प्रिपेयर कंप्रीहेंसिव सिलेबस। और ये जहन में लेके जाइए जो भी आएगा सिलेबस मेरा तैयार है, पूरा सिलेबस आता है मुझे, जो भी आएगा इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट।
और उसमें सबसे अहम बात जो मैंने आपको बात सिखाई थी कि भाई हर साल को कंप्लीट करने की आदत डालो, वो आता है आपको या नहीं आता? नहीं आने वाला तो सवाल होगा ही नहीं, बस होगा कुछ पार्शली आते होंगे, कुछ कंप्लीट आते होंगे। हम फंसते हैं पेपर्स में, अक्सर बच्चे आप में से अगर किसी ने न्यूमेरिकल पेपर दिए हों तो हमें गलती क्या होती है कि हम किसी एक पेपर सवाल पे आते हैं, उस सवाल में किसी स्टेप पे फंसते हैं और सवाल पे फंस के टाइम लगा देते हैं। स्टेप वाइज मार्किंग मैंने वो कहा देखते रहना है, तो स्टेप वाइज मार्किंग सबको पता लगना चाहिए कि भाई स्टेप जो है वो एक नंबर डेढ़ नंबर का है, तो एक नंबर डेढ़ नंबर के लिए डेढ़ मिनट दो मिनट तो सोच सकते हो आप, इससे ज्यादा सोच नहीं सकते। डेढ़ दो मिनट में चीज समझ आ जाए कर लो, नहीं समझ आए जैसे मैंने कहा था फिगर रिज्यूम कर लो, सवाल आगे लेके चलो, सवाल कंप्लीट कर दो। एग्जामिनर ने आपसे प्राइस मांगी है, उसको प्राइस निकाल के देख के आओ, बेशक गलत हो इसकी टेंशन नहीं है, प्राइस तक पहुंचने में जो स्टेप्स आते हैं वो कर दो, जो स्टेप नहीं आते उनकी फिगर अज्यूम कर लो, 100 रुपया 2 रुपये 4 रुपये जो मर्जी अज्यूम कर लो, लिख दो अज्यूम किया मैंने फिगर, लेकिन प्राइस निकाल के देख के आओ। सवाल को कंक्लूड करना सीखो विदाउट वेस्टिंग अनड्यू टाइम, दिस इज योर टारगेट, क्योंकि एग्जाम में आपको हर सवाल 100% नहीं आता होगा। फेल वो बच्चा होता है जो उन स्टेप्स पे फंसता है जो उसको नहीं आते और उन पर टाइम जाया करता है, नतीजा क्या होता है एंड में 15 नंबर 20 नंबर का पेपर छूट जाता है। तो हमारा मकसद है पेपर पूरा करना, पेपर पूरा ठीक करना हमारा मकसद नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर पूरा ठीक कर दोगे तो 100/100 आ जाएंगे, तो वो तो नहीं लेना ना खुदा ना खास्ता हमें, हमें तो कितने चाहिए 100 में से 50 प्लस, 100 में से 50 प्लस को अगर समझो तो मतलब क्या है इसका कि अगर हम 100 में से 100 का पर्चा करके 50 नंबर का गलत भी कर दें तो भी पास है, बट 100 का करेंगे तो 50 की गलती का रूम होगा ना, अगर किया ही 60 का किया ही 70 का तो गलती का रूम देख लो कितना आपके पास है। हमारा टारगेट होगा कि हम पूरा पेपर करना सीखें, और वो पूरा पेपर आप करना तब सीखोगे जब आप जिस तरह मैंने प्रैक्टिस कहा ना कि सोल्यूशन को देखे बगैर प्रैक्टिस करनी है। सवाल आपको 20% आता है, 30% आता है, 40% आता है, 70% आता है, जितना आता है करो, बाकी अजम्पशन लो, कंप्लीट कर दो सवाल, फिर सोल्यूशन से सीखो। ये आदत बनाओ कि पूरा सवाल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन चैलेंज जो मैंने अभी बच्चे की मिसाल दी कि 7वीं अटेम्प्ट में जाके वो पास हुआ, वो इस आदत को अपना नहीं पा रहा था, और ये मैंने कई लोगों से सुना है कि एग्जामिनेशन में दिस इज द टफेस्ट हैबिट टू अडॉप्ट, कि अजम्पशन लेके आगे चले, आप लोगों को हजम नहीं, छोड़ के चले जाएं आगे, आप लोगों को हजम ही नहीं बात होती कि कैसे छोड़ के चले जाएं, जवाब गलत हो जाएगा हमारा, अजम्पशन कैसे ले लें। तो भाई इसीलिए को समझा रहा, जवाब के नंबर नहीं होते, दिमाग से ये चीज निकाल दो कि जवाब के नंबर है, जवाब के नंबर नहीं है, असूलों को अप्लाई करने का नंबर है, जो असूल आते हैं कर दो, जो नहीं आते उन पे मिट्टी डाल दो, कोई टेंशन नहीं है उनकी, हम नंबर लूज करने से नहीं घबराएंगे एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में 50 मार्क्स लूज करने का क्वेश्चन है फिर भी पास हो सकते हैं जैसे हम, और अगर जिस अप्रोच से मैं आपको बता रहा हूं चलोगे तो बड़े कंफर्टेबली 60+ नंबर लेके निकलते हो, क्योंकि एग्जाम में होता क्या आपको 9 क्वेश्चन आने हैं, आप 2 या 3 क्वेश्चन में 100% मार्क्स लोगे, 2 या 3 क्वेश्चन में 70-80% मार्क्स लोगे, 2-3 क्वेश्चन में 40-50 होंगे, हो सकता है 1 क्वेश्चन में 10-20% मार्क्स ले रहे हो, लेकिन इनका एग्रीगेट करोगे 60+ बन जाएगा। तो दिस इज द टारगेट, हर सवाल परफेक्ट करना, अगर हम चाहेंगे तो शायद हम 60 या 70% पेपर कर पाएंगे, और नॉर्मल एरर रेट के हिसाब से हम उसमें 50% मार्क्स नहीं ले पाएंगे। हमें पूरा पेपर करने का टारगेट करना है इंशाअल्लाह, और ये बड़ी आसानी से हासिल हो जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए एग्जाम टेक्निक्स पे अहमियत दे रहा हूं, एक इसके लिए मैं एक जुमला वो अक्सर बच्चों से मैंने सुना हुआ है, आप में से पता नहीं अभी तक किसी ने एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया, लेकिन ये बच्चों की ही जबानी मैंने सुना हुआ है कि सर पता नहीं आई कि आप क्या करते हैं, फलाने बच्चे को सर वो सारा मैंने पढ़ाया था, उसको तो आता ही नहीं एग्जाम से, 1 हफ्ता पहले मेरे साथ आया था हॉस्टल में, सारा कुछ मैंने उसको पढ़ाया था, सर वो पास हो गया मैं फेल हो गया, देखे सर ये क्या बात हुई, होता है ना ऐसा कभी कभी, तो फर्क आप खुद देख लो कहां पे आता है, क्योंकि ये तो पक्की बात है जिसने पढ़ाया बच्चे ने उसको ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज था, जिसने पढ़ा उसको यकीनन कम आता होगा, तो फिर पास फेल कैसे निकला, 3 घंटे 15 मिनट, जिस बच्चे ने 3 घंटे, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता आपने किसने पढ़ा किसने पढ़ाया, एग्जामिनर को यह पता लिखा क्या पर्चे पे, सवाल कितने अटेम्प्ट किए, कितने स्टेप सीखे हैं,
कितने टोटल अटेम्प्ट किए, ठीक कितने हैं उनमें से, एग्जामिनर तो इस पे आपका पास फेल जज कर रहा है। तो अगर आपने पेपर 3 घंटे 15 मिनट में अच्छा नहीं किया, पहले 4 महीने जितना मर्जी पढ़ा हो आपने, 5 महीने जितनी मर्जी मेहनत की हो, 3 घंटे 15 मिनट सारे सारी मेहनत पे सारे टाइम पे पानी फेर देते हैं आप। इसलिए एग्जाम स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने 3 घंटे 15 मिनट में परफॉर्मेंस को कैसे एनहेंस करना है। जैसे मैंने कहा गुड नाइट स्लीप, जैसे मैंने कहा अच्छा ब्रेकफास्ट, फिर एग्जाम में जो चीज़ आती है करते हैं, जो चीज़ नहीं आती उसकी अजम्पशन लेकर मूव फॉरवर्ड करना, ये कुछ तरीके हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम में। तो जनाब इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। कोई सवाल यहाँ पे को बचा करना चाहिए, जितनी बातें आज हुई थोड़ी सी हमारी, इस पर किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? बेटा ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए मैं जो थ्योरी के पर्चे होते हैं ना उनमें, पहले मैं अहमियत बता दूं आपको, जो थ्योरी के पर्चे होते हैं उनमें आप अफोर्ड करते हो कि आप 2-3 घंटे सो के चले जाओ। ये हमारा पेपर एनालिटिकल पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर होते हैं, कहानी लिखी होती है, कहानी को समझना होता है, कहानी से नंबर निकालने होते हैं और नंबर को डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से हमने हल करना होता है। तो अगर आपका जहन फ्रेश नहीं है, जहन को फ्यूल नहीं मिला हुआ, तो जहन ये काम नहीं कर पाता, ब्रेन आपकी मशीन नहीं चलेगी आपकी, ठीक है। ये तो पहले फैक्ट है कि सोए बगैर आपका पेपर नहीं होना। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी की हुई है, मतलब अच्छे तरीके से लेक्चर के साथ साथ चीजें पढ़ी हुई हैं, वीकेंड्स को यूटिलाइज किया हुआ है, टेस्ट में मिड टर्म में मॉक्स में बैठे हुए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आपको टेंशन हो। नॉर्मली टेंशन आपको नींद ना आने की वजह ये होती है जब आप आखिरी 2-3-4 हफ्ते में पढ़ना चाहते हो और 2-3-4 हफ्ते में 3-4 महीने का काम करना चाहते हो, ठीक है। तो उन दिनों में आप बिल्कुल आप ये काम जो इम्पॉसिबल काम के पीछे पढ़ते हो, सिर्फ इस वजह से आपको नींद नहीं आती। जब आपने लिखी पड़ी बात नहीं, मैंने 3-4 दफ़ा रिवीजन कर ली भी है, मैंने प्रैक्टिस के भी कोई जितने सर ने सवाल कराया था उससे आधे सवाल या उससे डबल सवाल मैं प्रैक्टिस के भी 2 दफ़ा कर चुका हूँ, तो क्या वजह हो कि नींद ना आए आपको? फिर तो बस अल्लाह ताला से नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, कामयाबी की और सो जाना है इंशा ताला। नींद बिल्कुल आएगी और प्रॉपर पूरे टाइम से आएगी आपको अगर आपने होमवर्क पूरा किया है। नींद आपकी उड़ती क्यों है अक्सर बच्चों की? जब आप एग्जाम से एक दिन पहले चाहते हो कि मैंने जो 4 महीने में काम किया मैं एक दिन में सारा रिवाइज करना चाहूं, जितने सवाल मैंने 4 महीने में किए उनमें से कम आधे में एक दिन में कर लूं, और जब आप सवाल जल्दी जल्दी करने बैठते हो सवाल फंस जाता है, आपको टेंशन क्या होती है? सवाल तो मैंने पहले 3 दफ़ा किया था, आज मुझसे नहीं हो रहा, तो कल एग्जाम में क्या होगा मेरे साथ? मुझे लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूं, सारा दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। तो मैंने जो चीज़ अभी बोली नहीं, तो टेक्निक्स में लिखा हुआ था कि एग्जाम कल एग्जाम है तो आज सुबह उठ के कोई सवाल नहीं करना होता, अपने आप को रिलैक्स करना होता है, सिर्फ आपने नोट्स पढ़ने हैं, सिर्फ फॉर्मेट्स देखने हैं, सिर्फ फार्मूला रिफ्रेश करने हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चन की तरफ जाना ही नहीं है। बेशक 4 दफ़ा भी सवाल किया वो भी नहीं देखना, अनसीन तो बड़ी दूर की बात है। आइडियली एग्जामिनेशन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको पेपर से 2-3 दिन पहले छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस 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 के चक्कर में पढ़ते हो तो ये आपको टेंशन दिलवाता है कि और सवाल कर लो, और सवाल कर लो। भाई और सवाल करने का फायदा तब है जब वो वाले सवाल पेपर में आने हैं आपको, जब सवाल पेपर में वो वाला नहीं आना तो सवाल करने से ज्यादा फायदा है असूलों को याद करो, जो असूल एग्जाम में टेस्ट होने, पढ़ो बुक पढ़ो नोट्स पढ़ो उसको देखो, उससे ज्यादा तवज्जो दो। प्रैक्टिस भी करो लेकिन नोट्स पे तवज्जो दो। तो हम जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे चले जाते हैं तो हमारे माइंड में कहीं चीज ये होती है कि हमें देखा हुआ सवाल एग्जाम में आए, इसको हम स्पॉटिंग कहते हैं। ये पूरा एक माइंडसेट बदल देता है आपका। आप जब टू मच प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जाम में आप स्पॉटिंग करते हो, एग्जाम में सवाल को जब आप पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं देख रहे किस टॉपिक पे है, किस इश्यू पे है, क्या प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होने हैं। आप सवाल पढ़ते हुए सोच रहे होते हो कि ये स्प्रिंग 15 जैसे है या ऑटम 17 जैसा सवाल है, स्पॉटिंग कर रहे होते हो आप, क्योंकि आप सवाल को पढ़ नहीं रहे समझने के लिए, आप सिर्फ उसको स्पॉट कर रहे हो किस पेपर से, किस पास्ट पेपर से मिलता जुलता सवाल है, ताकि जिससे मिलता जुलता सवाल है उसका सोल्यूशन आपके दिमाग में उसको छाप दो। अंधाधुंध प्रैक्टिस, जो टू मच प्रैक्टिस, वो आपको इस आदत की तरफ लेके जाती है। बाकियों का मैं कुछ नहीं कहता, बाकियों में भी डेफिनेटली प्रॉब्लम है लेकिन इस सब्जेक्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर आप स्पॉटिंग की आदत में पढ़िए, मतलब मेरे एक पढ़ाए हुए बच्चे को बीएफडी के पेपर में 5 सवालों में से, ये 6 सवाल आए थे, 6 में से 4 सवाल वो आ गए जो सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हुए थे। उसने स्पॉटिंग की, उसने उन सवालों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं,
उसने कहा ये तो फलाने सवाल जैसा जो सर ने करवाया हुआ है उसका सोल्यूशन छाप दो, ये तो फलाने सवाल जैसा जो सर ने कराया उसका सोल्यूशन छाप दो। और बीएफडी ओपन बुक होता है, वो क्वेश्चन विद सोल्यूशन उसके पास पड़े हुए थे, उसने सोल्यूशन देखा वहां पे, अच्छा ये फॉर्मेट है इस तरीके से करना है, छाप दो। रिजल्ट क्या आया पता नहीं, 27 या 28 नंबर। तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ होता नहीं है कि आपको डिटो क्वेश्चन छाप के दे देगा, उसने कुछ ना कुछ बीच में बदली होती है चीजें। लेकिन जब आप स्पॉट कर लेते हो ना, आपने जैसे ठप्पा लगा दिया ये तो जी ऑटम 17 वाला सवाल है, फिर आप वो चेंजेस रजिस्टर ही नहीं करते, फिर आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, उसमें आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। और अगर दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे कॉस्ट के पेपर में तो पास कभी नहीं करोगे आप, ठीक है। और दिमाग इस्तेमाल करने के लिए इसका फ्रेश भी होना चाहिए, इसमें फ्यूल भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होगी तो काम चलेगा। तो बहरहाल कोशिश है, आपने तैयारी अच्छी की हुई है इंशाअल्लाह, पूरा होमवर्क किया हुआ तो आप ज़रूर सो पाओगे। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। बाय द वे हमारी बुक ये अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है, बी बुक शॉप से मैंने मंगवाई है, अभी फिलहाल उस पर सारी कॉपीज नहीं थी, तो वो कह रही थी बाय 10 9 10 बाकी किताबें भी इंशाअल्लाह आ जाएंगी। तो होपफुली आप आज बाय द टाइम यहाँ से फारिग हो गए या आफ्टरनून में कलेक्ट कर सकते हैं। ये वहीद बुक डिपो पब्लिशर है फिरोजपुर रोड से, या रायसी बुक शॉप से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम इसका बिल्ड कर रहे हैं, चूंकि जैसे हमने कहा था कि आप लोगों का अकाउंटिंग बैकग्राउंड अक्सर बच्चों का मेजोरिटी का नहीं है, तो ये चैप्टर वैसे तो किताब में आपकी नहीं अवेलेबल, लेकिन हमने इसको अपने नोट्स में शामिल किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीदर, एक गैप मिल जाए आपको मेन सब्जेक्ट से अलाइन करने के लिए। तो इसमें जी सबसे पहले है जी कॉस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक मकसद हमने कल सीखा था कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, अगर उसकी हम बात करें, या सर्विस कंपनी में है तो जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना। हम जैसे फर्नीचर वर्कशॉप की बात कर रहे थे जिसमें ये डेस्क बन रहे हैं, तो इस डेस्क की कॉस्ट पर यूनिट कैसे मेजर की जा सकती है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें सिखाती है। तो सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट कैसे मेजर करनी है, यहां तक जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले कॉस्ट का मतलब समझ सकें, कॉस्ट से मुराद क्या है और कॉस्ट कितनी तरह की होती है, कॉस्ट क्लासिफिकेशंस को हम सीख सकें। कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग पहले हमें आएगी तो ही हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन की तरफ जा पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन कॉस्ट के तारुफ से। कॉस्ट क्या है? इन अ बिजनेस कॉस्ट एक्सप्रेसेस अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग और प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग अ गुड और सर्विस। कुछ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो प्रोडक्ट खरीद के बेचती हैं, तो उनके लिए कॉस्ट कॉस्ट ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो रॉ मटेरियल खरीदती हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचती हैं, तो वो उनके लिए कॉस्ट पर यूनिट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वो अपने ह्यूमंस के साथ सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो आपकी बाइंग और प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग अ गुड और सर्विस, उस पर जो आपकी अमाउंट स्पेंड होती है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड मार्कअप और मार्जिन, प्रॉफिट एलिमेंट उसमें शामिल नहीं होता। जो हमारी जेब से पैसा गया है एक चीज को हासिल करने के लिए, एक चीज को बनाने के लिए, दैट इज द कॉस्ट। कॉस्ट को क्लासिफाई डिफरेंट एंगल से किया जा सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। एक है जी क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, एक है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, एक है क्लासिफिकेशन बाय नेचर, और एक है क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कॉस्ट को हम 4 एंगल से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बड़ी जरूरी है, ये इन टर्म्स की और इन क्लासिफिकेशन की, क्योंकि आगे चल के हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनमें ये टर्म्स यूज हो रही होंगी। अच्छा बाय द वे, ये हमारी स्लाइड जो यहां यूज करता हूं, ये स्लाइड्स 99.9% एक्सट्रैक्ट्स हैं इन किताबों के, ठीक है। तो पहली बात, स्लाइड पर जो मटेरियल लिखा हुआ है, जो प्रिंटेड मटेरियल है, वो शायद आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किताब है आप किताब में आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये जो आप इवन ये ट्री सा ही बना नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे
ये हमारे पेज नंबर 2 पे ही अवेलेबल है। तो ये सारी स्लाइड्स पे जो चीज़ें आएंगी पावर पॉइंट स्लाइड पे, ये सारी किताब के एक्सट्रैक्ट्स होंगे। हाँ, हाथ से जब चीज़ें ऐड करता हूँ तो आप, मुझे लगता है कि स्लाइड्स की बजाय किताब आपके पास होगी, तो मैंने जो हाथ से नोट्स ऐड किए, अगर आप समझो कोई वैल्यूएबल है तो उनको किताब में ही आप साइड पे ऐड कर सकते हो अपने, एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे वाइट बोर्ड की जगह भी मैं ये डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल करूँगा, मैं कंप्यूटर पर लिखूँगा और वो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले पर होंगी। आई विल ऑर्गेनाइज इट इन अ मैनर कि ये वाइट बोर्ड भी मैं आपसे PDF शेप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज से रिमैंडमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा बना दें कि मैं अपना वाइट बोर्ड भी आपसे PDF शेप में रोज़ का रोज़ शेयर करता जाऊँगा। तो वो भी आपके लिए एक आसानी है कि इसको आपको यहाँ से वाइट बोर्ड नोट करने के बजाय, ताकि आप, मैं चाहता हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो आपकी लर्निंग की तरफ हो, एब्जॉर्प्शन की तरफ हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें किताब से हैं और जो वाइट बोर्ड पर मैं लिखूंगा, जो सवाल कराऊंगा आपको, वो सारे मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा PDF ग्रुप, हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के PDF में आपसे शेयर कर लिया करूं, ताकि वहां पे भी आपको आसानी हो। अच्छा जी, कॉस्ट क्या है और कॉस्ट को डिफरेंट एंगल से देखने का तरीका, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। तो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। कॉस्ट जो एक कंपनी खर्च करेगी पैसा किसी चीज को बनाने में, उसको बाय एलिमेंट 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है, एक मटेरियल, एक लेबर और एक अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल से क्या मुराद है? प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विस को प्रोवाइड करने में जो फिजिकल प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आपकी कंपनी में जो फिजिकल प्रोडक्ट आप यूज करते हैं खरीद के अपनी प्रोडक्ट बनाने में, अपने बिजनेस में, दैट विल बी कॉल्ड मटेरियल। जैसे फर्नीचर वर्कशॉप की एक मिसाल लेके चलते हैं, तो एक फर्नीचर वर्कशॉप, एक फैक्ट्री जिसमें ये फर्नीचर बन रहा है, यहाँ पे कपड़ा इस्तेमाल हुआ, दिस इज मटीरियल। यहाँ पे ये वुडन शीट, MDF शीट कहलाती है, ये इस्तेमाल हुई, दिस इज मटीरियल। इसमें पाइप्स यूज हुए, दिस इज मटीरियल। इसमें नेल्स यूज हुए, दिस इज मटेरियल। सो ये सारी कॉस्ट हैं जो कि इन डेस्क को बनाने में इस्तेमाल हुई हैं। तो इन डेस्क को बनाने में जो फिजिकल कमोडिटी यूज हुई है, जो फिजिकल कमोडिटी यूज हुई, वो हम मटेरियल कॉस्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। देन देयर इज लेबर। लेबर से मुराद होता है कॉस्ट पेड टू ह्यूमन फॉर देयर सर्विसेज। लेबर कॉस्ट से मुराद वो खर्चा जो हमने ह्यूमंस को पे किया फॉर देयर सर्विसेज। हमारी फैक्ट्री में ये कपड़ा, शीट, पाइप्स, इनको काटने का काम ह्यूमंस ने विद हेल्प ऑफ मशीन किया, इनको असेंबल करने का काम इन दिस शेप ह्यूमंस ने विद हेल्प ऑफ टूल्स किया, तो उन ह्यूमंस को हमने कोई वेजेस, सैलरी पे की, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ही है ना। मटीरियल भी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट है, और ह्यूमंस को जो सैलरी हमने दी हुई वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट है, तो बट दैट विल बी कॉल्ड लेबर। एंड देन देयर इज अदर एक्सपेंस। प्रोडक्ट को बनाने में ऐसे खर्चे जो ना मटेरियल है ना लेबर है, उनको हम अदर एक्सपेंस कहते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री में ह्यूमंस को पैसे दिए, वो लेबर कॉस्ट होगी। हमारी फैक्ट्री में मटीरियल पर जो खर्चा लगा, वो मटीरियल कॉस्ट हो गया। हमारी फैक्ट्री में जो कराया गया, हमारी फैक्ट्री में जो बिजली का बिल हमने पे किया, अब ना वो मटेरियल है ना लेबर है। तो ऐसे तमाम कॉस्ट जो ना मटेरियल में क्लासिफाई हो सके, फिजिकल आइटम नहीं है, ना वो ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट है, उनको हम अदर एक्सपेंसेस कह देते हैं। मटेरियल की पहचान है, लेबर कॉस्ट की पहचान है। जिस जो कॉस्ट इन दोनों में से किसी पहचान पे पूरी नहीं उतरती, उसको हम अदर एक्सपेंसेस कह देते हैं। तो दिस इज वन वे टू डिवाइड कॉस्ट इन 3 कैटेगरीज। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। दिस इज वन वे टू क्लासिफाई कॉस्ट। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा, मटेरियल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, तो मटेरियल कॉस्ट से मुराद होती है कॉस्ट ऑफ बाइंग द मटेरियल एंड ब्रिंगिंग इट टू गोडाउन, कॉस्ट इनकर्ड अप टू ब्रिंगिंग इट इन द गोडाउन। तो खरीदने से लेके गोडाउन तक लाने पर जो खर्चे आते हैं, वो मटेरियल कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं।
जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा, बेटा अदर एक्सपेंसेस की मैंने आपको एग्जांपल दी रेंट ऑफ द फैक्ट्री, अदर एक्सपेंस की मैंने आपको एग्जांपल दी इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये अदर एक्सपेंसेस की मिसालें हैं आपके पास जी। डेप्रिसिएशन का मतलब कई लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ वर्ड। अगर पता है डेप्रिसिएशन का मतलब तो यस इट इज अदर एक्सपेंस। ऐसा को ऐसा खर्चा जो आपकी बिजनेस में इनकर हुआ है लेकिन वो किसी मटेरियल के अगेंस्ट नहीं है, उसमें कोई मटेरियल नहीं इस्तेमाल हुआ और वो किसी ह्यूमन की सर्विस के अगेंस्ट नहीं है, तो क्योंकि आपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल की है उस पर जो खर्चा हुआ उसको मटेरियल में क्लासिफाई करते हैं। आपने ह्यूमन की सर्विसेज यूज की हैं उनको जो सैलरी दी है उसको हम लेबर में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन ऐसे तमाम खर्चे जो यहां नहीं जा सकते, जो यहां नहीं जा सकते, बाकी सारे खर्चे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसकी मैंने आपको दो मिसाल फिलहाल आपको दी। एक आपको मैंने रेंट की मिसाल दी, एक मैंने आपको बिजली के बिल की मिसाल दी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने ह्यूमंस को उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे दिए हैं तो वो आपके लेबर में आएंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके लेबर में तब आएंगे जब ह्यूमन अपने मोड़े पे लेके चीज़ें आया है। तो आपका ह्यूमन मोड़े पे लेके ट्रांसपोर्ट की उसने चीज़ें, अगर वो ट्रक पे लाया तो फिर वो ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे नहीं है। शायद उसका मे बी 2-4-5% उसको सैलरी के मद में जरूर जाएगा, लेकिन 95-90% शायद वो गाड़ी के पेट्रोल और गाड़ी के किराए की मद में जा रहा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इज यूजली इज नॉट लेबर कॉस्ट ट्रांसपोर्ट, अनलेस जैसे मैंने कहा वो मोड़े पे ला रहा है तो अलग बात है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? इंश्योरेंस इज नाइदर मटीरियल नॉट लेबर नॉर लेबर, सो इट्स अदर एक्सपेंस। असूल बड़ा सीधा सा है, ऐसे ही मटीरियल है नहीं है, लेबर है नहीं है, तो फिर अदर एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो असूल बड़ा सीधा सा, इंश्योरेंस यस ना ये मटेरियल है ना ये लेबर है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस जो पे की उसके बदले हमें कोई फिजिकल कमोडिटी नहीं हमने बाय की। इंश्योरेंस जब हम पे कर रहे हैं किसी ह्यूमन सर्विस के अगेंस्ट नहीं पे कर रहे हैं, तो जब वो मटीरियल भी नहीं है वो लेबर भी नहीं है तो यकीन ये अदर एक्सपेंस है। जी, कोई और सवाल किसी बच्चे के दिल में, कोई और एग्जाम्पल? क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट हम बात कर रहे थे। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन है इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि वो जो चीजें उधर चली गई वो उधर नहीं आ सकती। हमने कहा जी ये कॉस्ट का पूल है, इसके हम चाहे तो 1-2-3 हिस्से कर सकते हैं, मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस। अच्छा जी, एक हिस्सा वो तरीका हो गया, फिर दोबारा ये कॉस्ट सारी इकट्ठी होगी फैक्ट्री की, हम इसके चाहे तो 2 हिस्से कर सकते हैं क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में 2 मेन कैटेगरीज हैं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल खर्चा इनकर होता है उसके हम 2 हिस्से कर सकते हैं बाय फंक्शन में, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद, प्रोडक्शन कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। दीज आर द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। और प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट से मुराद क्या है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ये है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस से मुराद है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जन। और ये तो है प्रोडक्ट, ये काम प्रोड्यूसिंग का प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती हैं, और अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्विस प्रोवाइड करने में जो खर्चा लगा है दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी होगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट हम उस कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट से मुराद रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में जो खर्चा लगता है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। मिसाल हम लेना चाहें, इसको बिल्कुल सिंपल करना चाहें, तो नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिसाल लेते हैं और हम फर्नीचर वर्कशॉप की मिसाल आसानी से लेकर चलते हैं क्योंकि हमारे सामने प्रोडक्ट पड़ी हुई है। नॉर्मली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के दो मेजर सेगमेंट्स होते हैं, एक होती है उसकी फैक्ट्री और एक होती है उसका एक होता है उसका हेड ऑफिस। फैक्ट्री में प्रोडक्शन फंक्शन रन होते हैं, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड फंक्शन रन होते हैं, और हेड ऑफिस में नॉन प्रोडक्शन फंक्शन रन होते हैं। फैक्ट्री में क्या काम हो रहा होगा? फैक्ट्री में गोडाउन बने होंगे जिनमें रॉ मटेरियल या कपड़े, ये फोम, ये लकड़ी, ये पाइप्स आते होंगे। फैक्ट्री में एक कटिंग हॉल होगा जिसमें ये मटेरियल जाएंगे, डिजाइन के मुताबिक इनकी कटिंग हुआ करेगी। फैक्ट्री में एक असेंबली हॉल होगा जिसमें जो पीसीस कट हुए हैं उनको असेंबल करके जोड़ करके शेप दी जाती होगी। फैक्ट्री में एक फिनिशिंग हॉल होगा जिसमें इन पर रंग रोगन करके, सफाई सुथराई करके इनको पैक किया जाता होगा। और फैक्ट्री में दोबारा जब चीजें पैक हो गई हैं रॉ मटेरियल से, कपड़ा, लकड़ी, पाइप से, जब वो डेस्क में कन्वर्ट हो गए तो दोबारा गोडाउन में चले जाते हैं एज फिनिश्ड गुड्स। पहले वो रॉ मटेरियल थे, रॉ मटेरियल जिसको हमने प्रोडक्शन में यूज करना है, फिर हमने प्रोडक्शन प्रोसेस रन किया उन मटेरियल पे, लेबर ने उन पे काम किया, मशीनों ने उन रॉ मटेरियल पे काम किया और वो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, दोबारा गोदाम में चले गए। ये पूरा एक फैक्ट्री का सेटअप है। इस प्रोसेस के दौरान इस सेटअप में जो खर्चे हो रहे हैं उनको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट ऑफ द फैक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन फैक्ट्री के गेट पर जो चौकीदार खड़ा हुआ है, गार्ड खड़ा हुआ है, उसकी सैलरी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है। स्टोर कीपर अपने रजिस्टर में जिसमें वो एंट्रियां लिखता है कितना मटेरियल आया, कितना मैंने इशू किया फैक्ट्री को, वो रजिस्टर, वो पेन, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है। स्टोर कीपर की सैलरी फैक्ट्री में हो रही है, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। असेंबली में वर्कर जो काम कर रहा है कटिंग, असेंबली, फिनिशिंग में, उसकी सैलरी प्रोडक्शन कॉस्ट है। फैक्ट्री का बिजली का बिल प्रोडक्शन कॉस्ट है, फैक्ट्री का रेंट प्रोडक्शन कॉस्ट है। फैक्ट्री रिलेटेड जितनी कॉस्ट है वो सारी, फैक्ट्री तो बनाई ही प्रोडक्शन के लिए गई है, तो फैक्ट्री में जितने खर्चे हो रहे हैं उन सबका प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हो। वो मटेरियल है, वो लेबर है, वो अदर एक्सपेंसेस है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रहे हैं, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ऐसा एक हेड ऑफिस भी है ना, वहां पे क्या काम होता है? वहां पे आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट बैठा होगा, वहां पे आपका सेल्स का डिपार्टमेंट बैठा होगा, वहां पे आपका प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट बैठा होगा। ये हेड ऑफिस के फंक्शन है, तो उधर भी खर्चे हो रहे हैं, हेड ऑफिस का भी किराया जा रहा है, हेड ऑफिस का बिजली का बिल भी जा रहा है, हेड ऑफिस में लोगों को तनख्वाहें जा रही है, हेड ऑफिस में भी स्टेशनरी यूज हो रही है, वहां पे भी मटेरियल है, वहां पे भी लेबर है, वहां पे भी बिजली के बिल हैं, रेंट्स, अदर एक्सपेंसेस हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है, बिजनेस चल रहा है, कुछ खर्चे फैक्ट्री में हो रहे हैं, कुछ खर्चे हेड ऑफिस में हो रहे हैं। तो जो खर्चे फैक्ट्री में हो रहे हैं उनको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि वो सारे खर्चे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हो रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए सारा सेटअप लगाया गया फैक्ट्री का, तो वो सारे खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाते हैं। और वो सारे खर्चे जो हेड ऑफिस में हो रहे हैं उनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका प्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको हम नॉन प्रोडक्शन खर्चे कहते हैं। तो दिस इज एन अदर वे टू क्लासिफाई कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन को फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की एग्जाम्पल्स हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। आसानी के लिए आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, जो खर्चा फैक्ट्री में हो रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, और जो खर्चा हेड ऑफिस में हो रहा है वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की एग्जाम्पल्स की लिस्ट आपके सामने है। सो वन वे टू क्लासिफाई कॉस्ट इज बाय फंक्शन, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के फर्क को लेके कोई सवाल? जी बेटा, नॉन प्रोडक्शन, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में रहेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद हम लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कॉस्ट, क्योंकि पैसा आप बैंक से लाओ, पैसा आप अपने पैसा अपना इक्विटी से लाओ, आपने अपने पैसे से बनाया है, लोन लिए बगैर अपने पैसे से चीज बनाई है,
प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस में कोई फर्क नहीं आता। बिजनेस में पैसा कहां से आया ये एक अलग फंक्शन है, ये फाइनेंसिंग फंक्शन कहलाता है। फैक्ट्री को इससे कोई गर्ज नहीं है, प्रोडक्शन को इससे कोई गर्ज नहीं है कि पैसा कहां से आया। प्रोडक्शन को गर्ज है कि मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, अदर खर्चा कितने हुए फैक्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, ये इतनी मुश्किल जवाब हो रहा यार, हम तो भी बचे, हमें तो इंटरव्यू भी नहीं पड़ी हुई हमने। क्वालिफाइंग एसेट होता क्या, कितने बच्चों ने ये टर्म सुनी हुई है, चले हाथ नहीं, कितनों ने नहीं सुनी हुई क्वालिफाइंग एसेट की टर्म, अब देख लो। आप कमसाए ने नहीं सुनी हुई, आप उसके सामने बैठे डरा रहे हो उस बेचारे को। अभी नहीं ऐसी बातें करेंगे हम, कुछ दो चार पाँच दिन गुजरने दो, फिर हम ऐसी बातें करेंगे जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? सेलिंग कॉस्ट नहीं बेटा, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट होती है आपकी सेल्स की टीम मार्केट में जाती है विजिट करने लोगों को, ये हमारी प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं, हमसे खरीदें। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट क्या है? आपकी सेल्स की टीम ने ऑर्डर लिए, आपने इनको कमीशन दी है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मत, प्रोडक्शन का पहले प्रोसेस, प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद क्या है? कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रॉ मटेरियल को लेके कपड़ा, लकड़ी, पाइप को लेके डेस्क की शक्ल तक लाने तक का खर्चा, दिस प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक का काम का प्रोडक्शन है। इस प्रोसेस के दौरान जो खर्चा हो रहा है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। सेलिंग तो प्रोडक्शन के बाद शुरू होती है ना, प्रोडक्शन कंप्लीट होगी अब सेल करने जाओ, भी कस्टमर से ऑर्डर लेके आओ, सेलिंग तो उसके बाद की बात है। डिस्ट्रीब्यूशन तो उसके बाद की बात है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि गुड्स को कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाना। प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में खत्म हो गई है हमारी, बाकी सारे खर्चे फैक्ट्री से बाहर के हैं। इसको बेटा अगर आप, मैं जो भी आपके साथी को मिसाल दी, अगर आप प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट को देखो, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो कॉस्ट इनकर हो रही है उनको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके लिए जो फाइनेंस अरेंज करना, दैट्स अ सेपरेट लाइन, दैट्स अ सेपरेट लाइन। बेटा वो सिक्योरिटी गार्ड प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसके जो आप समझो फैक्ट्री के प्रोसेस में है ना, फैक्ट्री के प्रेमिसेस में है वो। उसका काम क्या है कि जो रॉ मटेरियल रिसीव हो रहा है उसको सिक्योरली फैक्ट्री के अंदर लेकर जाना और इंश्योर करना फैक्ट्री से कोई अनऑथराइज चीज बाहर ना निकले। प्रोडक्शन फैसिलिटी को वो गार्ड कर रहा है ना, प्रोडक्शन फैसिलिटी है तो वो गार्ड है, प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है तो उस गार्ड की भी जरूरत नहीं है। जिसका मतलब वो गार्ड भी प्रोडक्शन फैसिलिटी की वजह से आपको चाहिए। ठीक है, इसलिए हम उसको नॉर्मली फैक्ट्री का गार्ड है तो उसकी सैलरी भी प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासिफाई हो जाएगी। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा, टेस्टिंग कॉस्ट, क्वालिटी टेस्ट, बिल्कुल। प्रोडक्शन प्रोसेस में एक आपका नॉर्मली एक फाइनल स्टेप क्या होता है कि आपकी फाइनल क्वालिटी चेक होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के, आपकी कंपनी के मेयार के मुताबिक बनी है। उसके लिए आपने फैक्ट्री में क्वालिटी इंस्पेक्टर्स हायर किए होते हैं जिनको आप सैलरी पे कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, फिनिश फाइनल क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो यस उनकी सैलरी भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासिफाई होगी। जी एनी अदर क्वेश्चन? दोबारा बोलो। बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब अभी हमें पहले समझना है, उसके बाद इस सवाल का जवाब देंगे। हमारी क्लासिफिकेशन है एक आगे चल के, क्लासिफिकेशन बाय नेचर, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझेंगे, डायरेक्ट होता क्या, इनडायरेक्ट है क्या, फिर उसमें हम बात करेंगे मजीद। मैंने फिलहाल एक चीज मैंने आपको बताई कि एक हमने फैक्ट्री के खर्चों की डिटेल ली, हमसे कहा गया इन खर्चों को बाय एलिमेंट तकसीम कर दो, हमने कहा जी ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये अदर एक्सपेंसेस है, फिर उनको दोबारा मिक्स कर दिया गया, हमने कहा अच्छा ये दोबारा पकड़ो फैक्ट्री के खर्चों की डिटेल, अब इनको या टोटल कंपनी के खर्चों की डिटेल, इनको बाय फंक्शन अलग करो। कंपनी के पूरे खर्चे दिए गए, एक दफा कहा गया इनको बाय एलिमेंट अलग करो, फिर दोबारा मिक्स करके दिए गए, अब कहा गया इनको बाय फंक्शन अलग करो। तो खर्चों का पूल वही है, उसको हम चाहें तो बाय एलिमेंट हिस्से कर दें, चाहे तो बाय फंक्शन हिस्से कर दें, चाहे तो बाय नेचर हिस्से कर दें, आगे हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन, चाहे तो बाय बिहेवियर उनके हिस्से कर दें। कॉमन खर्चे हैं
उनको चार तरह से हम उनके हिस्से करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह बाकी जो क्लासिफिकेशन हमारी रहती हैं दो और मजीद डिस्कशन इंशाअल्लाह उसको हम कल कैरी करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।